वेलकम टू रॉयल फैशन। आज हम इस वीडियो में चोरी कट ब्लाउज स्टिच करना सीखेंगे। तो देखिए मेरा ब्लाउज का ये अस्तर और ब्लाउज का कटिंग दोनों एक साथ हमने किया है। अब हम इसे चिपकाएंगे। तो देखिए हमने जो कटिंग किया है इसको चिपकाएंगे। तो अस्तर चिपकाने का बेस्ट रूल है कि आप ऊपर से सिलाई लगाएं, ना कि पीछे अस्तर से सिलें। ऐसे सिलने से जो मेरा कपड़ा है पूरा चिकना होता है, सही तरीके से चिपकता है, इसीलिए हम ऊपर से चिपकाते हैं। तो देखिए हमने जो साइड का है, चोली कट का साइड का है, तो हम ये इस तरीके से पहले हाथ से चिपका देते हैं, उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई लगाते वक्त हम जो अस्तर होता है उसे हल्का आगे की तरफ फेंकते हैं, उसके बाद सिलाई लगाते हैं, ताकि जो मेरा कपड़ा हो ज़्यादा ना, मतलब सिकुड़े ना। तो इस तरीके से हमने दोनों जो साइड का होता है उसी तरीके से ऊपर से सिलाई लगा के हमने सिल लिया है, मतलब चिपका लिया है। तो देखिए ये जो मेरा टुक्की होता है या कप है ब्लाउज का, चोली कट का ब्लाउज का, तो इसी तरीके से हमने दोनों को चिपका लेना है। तो देखिए अब हम बैग को चिपकाएंगे। तो बैग को चिपकाने के लिए पहले एक दूसरे पर रख के हम हाथ से उसको चिपका लेते हैं, ठीक तरीके से देख लेते हैं कि जो मेरा मतलब गला होता है सबसे मेन होता है बैग, जब आप पूरा काट लिए हैं तो जो गला होता है उसे मिला लें। तो मेरा गला सही है, तो अब इस तरीके से रख कर हम चिपका लेते हैं, ऊपर से ही सिलाई लगाते हैं ताकि मेरा जो कपड़ा हो सिकुड़े ना। इस तरीके से, और देखिए जो मेरा अस्तर है तो वो नीचे का मेरा अस्तर था, तो उसके ऊपर से एक सिलाई लगा देना है, ताकि मेरा जो नीचे जब मुड़े तो मोटा ना हो, जो मुड़ता है तो मोटा हो जाता है, तो हम इसीलिए थोड़ा सा अस्तर हमने कम रखा है। तो देखिए इस तरीके से मेरा आएगा बैक का, बैक का हो गया। अब हम देखिए जो अगला पल्ला है उसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये जो देखिए मेरा चौड़ा है, तो ये मेरा साइड का हुआ, यहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो देखिए हम पहले गला जो सीधा होता है वो मेरा गला की तरफ होता है, और जो कम, तो ये मेरा शोल्डर का हो गया। तो इसी साइड में हम इस तरीके से ये टुकी को जोड़ेंगे। तो टुकी को जोड़ने के लिए हम देखिए हल्का सा इस तरीके से हम पहले नाप लेते हैं कि जो मेरा टुक्की है बराबर हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो हल्का नीचे का जो पल्ला है टुक्की का, मतलब जो बड़ा हो रहा है मेरा, उसको हम हल्का सा टाइटली फोर्स करके खींचेंगे, ताकि मेरा और टुक्की जो मेरा कटता है तो वो तो हल्का तिरछा ही रहता है, तो मेरा लहर का फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने फिक्स कर लिया, और इसी तरीके से हम अगला जो होता है उसको भी कर लेते हैं। ये जो मेरा अगला पल्ला है उसी तरीके से दोनों को कर लिया, अब मिला लिया, और अब हम इसमें टेकिंग देते हैं, और ये मेरा सिलाई का वहाँ पे टुकड़ा होता है। तो देखिए जो डबल टुकी होता है तो उसमें सिर्फ वन टेकिंग लगता है, पर जो सिंगल टुकी होता है उसमें दो खुटका देते हैं या टेकिन देते हैं। तो देखिए जो नीचे का टेकिन होता है एक इंच चौड़ा टेकिन पड़ता है, तो इस तरीके से जो हम जो आगे का टेकिन देंगे तो वो मेरा जो होगा तिरछा होगा, सीधा टेकिन नहीं देते इसमें, हम तिरछा टेकिन देते हैं इस तरीके से। अब हम नीचे का जो होता है एक इंच चौड़ा और लंबा जो होता है डेढ़ या दो इंच लंबा टेकिंग देते हैं बस, और इस तरीके से मेरा देखिए टुकी बना है। तो अगला को भी इसी तरीके से हम जो पल्ला है अभी पल्ला का दूसरा, उसको भी इसी तरीके से हम टेकिंग देंगे। तो देखिए ये पहले हम मिला लेंगे कि मेरा काम, उसके बाद हम इस तरीके से पूछना है, उसके बाद इस तरीके से टेकिंग देना है, और नीचे भी वही एक इंच चौड़ा और
डेढ़ इंच लंबा। और देखिए ये जो मेरा दोनों पल्ला हो गया, अब नीचे जो पट्टी होता है वो लगाते हैं। तो ये मेरा पीछा सीधा उधर लगाते हैं बैक के साइड। तो दोनों होता है हमेशा जवाबी लगता है। जवाबी लगना मतलब कि दोनों जो होता है एक ही साइड का, दोनों पल्ला नहीं होना चाहिए उसे। जब देखिए इधर लगा रहा है तो जहाँ से लास्ट होता है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। और ये जो मेरा टेकिंग है इस तरीके से हमें मोड़ कर अंदर कर लेना है। और देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देना है। और जवाबी मतलब होता है कि जहाँ हम लास्ट किए वहीं से स्टार्ट करें। तो देखिए नीचे हमने ये रखा क्योंकि नीचे वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए वहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो ज्वाइंट होता है फिर से वहीं उधर पीछे की तरफ निकलते हैं और टेकिंग को उस तरह मोड़ लेते हैं। तो देखिए ये जो मेरा हुआ सिलाई परफेक्ट हो गया। जो सिलाई होता है उसे नीचे डाल देते हैं। ये जो दोनों होता है पल्ला उसे सिलने के लिए आगे का ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर हम ब्लाउज से इस जो कितना रखना चाहिए उसे रखते हैं, नापते हैं। तो ब्लाउज को हम पहले सीना नाप लेते हैं, उसके बाद मार्क करके ऊपर भी नाप लेना है ताकि मेरा जो ब्लाउज हो फिटिंग बैठे। नाप लें और थोड़ा लूज रखें ताकि उसको डबल सिलाई लगा सकें। और नीचे भी लूज रखना है हमें। इस तरीके से रखने से मेरा इधर भी हल्का मार्का आ जाता है। तो अब हम बैक को रख कर इसका जो होता है पहले शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। इस तरीके से हमें कंधे जोड़ना है। तो कंधे जोड़ने के लिए हाफ इंच आप जोड़ सकते हैं सिलाई लगाएँ, और डबल सिलाई लगा दें क्योंकि जब हम बाजू लगाते हैं तो वो उभर जाता है। तो इसके लिए डबल सिलाई लगा दें और अगला को भी इसी तरीके से सी दें। अभी साइड का जो मार्क किए थे उस पर हम सिलाई लगाते हैं। नीचे बराबर रखें, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, फिर हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने बराबर रखा। ऊपर भी बराबर करना है, उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो हमने अगली को ज्वाइंट किया था लंगर से, अब उसे हमें खोलना है। तो इसको हम उधेड़ देंगे। देखिए तो खोलना है, फिर खोलने के बाद हम पट्टी लगाते हैं। तो कंधे जब ऊपर रहे तो उसमें हम हुक वाला पट्टी लगाते हैं। तो देखिए 1.25 इंच चौड़ा हमने रखा, तो 1 इंच रेडी आना है हमें। तो एक सिलाई ऊपर से लगा देना है इसके लब पर, और फिर जो बचा है तो उसको भी साइड से ऊपर से लगा देना है सिलाई, ताकि जो हम हेम करें तो उसमें हेम करने में बने। और जो मेरा पट्टी है तो वो पट्टी आगे नहीं दिखना चाहिए, पूरा जो 1 इंच पट्टी है हम पीछे ही रखते हैं। इस तरीके से हम कपड़ा को अंदर ला कर ही सिल देंगे और लंगर लगा देंगे ताकि मेरा जो हेम करने में आसानी हो। इस तरीके से हमें अस्तर को नहीं दिखाना। अब हम जो होता है कचपट्टी बना रहे हैं, तो कचपट्टी के लिए आप 2.5 इंच ले सकते हैं। 2.5 इंच चौड़ा कचपट्टी लें और उसे आधा या 1/2 इंच निकालते हुए हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हमें मोड़ कर, तो मोड़ने के लिए जो होता है 1 इंच ही चौड़ा रखना है। तो 1 इंच चौड़ा रखने के बाद हम उसमें सिलाई लगाते हैं। तो जो मेरा कपड़ा है उसे अंदर रखते हुए सिलाई लगाना है। उसके बाद इस पर डबल सिलाई हमने लगाया, इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाइक। तो देखिए इस तरीके से हमने करके पहले मिला लेना है। तो देखिए मेरा पूरा जो ये होता है मिल रहा है। अब हम जो होता है टेकिंग देंगे बैक का टेकिंग देना है।
हमें दोनों टेकनी अच्छी तरीके से दे देना है। जो गला होता है उसके एक इंच नीचे रहना चाहिए। उसके बाद हम साइड का जो होता है नीचे का कमर पट्टी नाप लेते हैं। तो मेरा ये बराबर है, बराबर जब नहीं रहता है तो हम थोड़ा सा और दाब लेते हैं। तो देखते हैं इस तरीके से पट्टी नापा है। जब चोली कट ब्लाउज होता है तो उसे पीर कर ही नापा जाता है। तो साइड में एक दे दिया हमने सिलाई। इस तरीके से दोनों साइड में हमने एक सिलाई लगाया। उसके बाद हम नीचे जो होता है नीचे पहले एक साइड एक पट्टी लगाते हैं, एक सिलाई लगाना है इस तरीके से, और लास्ट में सिलाई लगा देना है। और जब हम फिनिशिंग देते वक्त उसको नापते हैं तो देखिए हमें ये इस तरीके से जो हम ले रहे हैं, पहले आप पट्टी से नाप लीजिए जो आपका ब्लाउज है कितना आप लंबा लेते हैं। तो हमने एक इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि हम एक इंच से बड़ा बना रहे हैं इसीलिए। और ये देखिए पहले हम जो टेकिंग होता है उसे मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जो मेरा नीचे कपड़ा बचता है उसको हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा कर लिया। अब जो होता है ब्लाउज मेरा लगभग पूरा हो गया है। अब हम सिर्फ बाजू लगाएंगे। तो बाजू के लिए देखिए जो ये मेरा इस तरीके से साट कर रखे थे तो ये साइड से फोल्ड कर लेना है एक इंच तक, और लंबाई नाप लें आप। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। और जो होता है फोल्ड करने के बाद जितना आपका जो नीचे का मोहरी है उतना रखें, और जो सिलाई लगाते हैं तो स्टार्टिंग से आए और उसके बाद हम इधर जाए, ना कि सीधे सामने से, मतलब कि इधर से वहाँ तक मार्कर लगाने के बाद। इस तरीके से आप जो होता है ब्लाउज को बंद कर सकते हैं, आपको वहाँ ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो होता है बाजू का ब्लाउज इस तरीके से डबल सिलाई लगा दें। देखिए ये मेरा ब्लाउज का बाजू हुआ। इसको रखने के बाद हम बाजू में तो फिक्स करेंगे। तो जो मेरा गड्ढा है तो वो अगली में जाएगा। तो इस तरीके से हमने अगली में रखा। और जो होता है जॉइंट से जॉइंट मिलाते हैं ब्लाउज में, बहुत ज़रूरी है कि आप जॉइंट से जॉइंट मिलाएं। और इस तरीके से जो मेरा आगे का जो बचा हुआ कपड़ा है तो इस तरीके से फोल्ड कर दें ताकि जो मेरा यहाँ पे आर्म होल की जगह पे मेरा चुभे ना, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बाजू लगाने का। और उसके बाद आप दो सिलाई लगाने के बाद आप पहले बाजू को मतलब पूरा देख लें कि मेरा हो रहा है या नहीं। तो हमने देख लिया है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएं, इस तरीके से पहले उधर से ले आएं कपड़ा, और जितना मेरा फालतू हो रहा है यदि थोड़ा बहुत है तो आप उसे टाइट करके मैनेज कर सकते हैं, यदि ज़्यादा है तो आप फिर से बाजू को फिक्स करके फिर से आप चढ़ाएं। और जहाँ पे मेरा राउंड शेप रहता है 2 इंच जब हम सीधा रखते हैं बाजू को, तो देखिए इस तरीके से जब टाइट हो रहा है तो हम जो अस्तर का है धागा निकाल सकते हैं ताकि मेरा लूज हो जाए। तो इस तरीके से हमने लूज कर लिया। उसके बाद हम ब्लाउज का जो होता है बाजू को फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से फिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ से तो ये मेरा ब्लाउज का बाजू लग गया। जैसे ब्लाउज का बाजू लग गया मेरा, तो कहीं भी चिकन भी नहीं है। तो आप जब आपका ब्लाउज जो टाइट हो रहा है तो आप उसका अस्तर का जो होता है धागा और उसका तोड़ दें या खोल दें थोड़ा दूर। और जब हम गलपट्टी लगाते हैं तो इस तरीके से तीछा तीछा आप कपड़ा को काट लें, या वो अस्तर का हो या ब्लाउज का ही हो। तो देखिए जब हम ब्लाउज लगाते हैं तो जो जब आयरन करते हैं ब्लाउज में तो फ्रिज आना चाहिए। तो फ्रिज के लिए जो होता है आप जब ब्लाउज का बाजू लगा रहे हैं तो बाजू आगे होना चाहिए, अगली फ्रंट पल्ला में उसका जॉइंट दिखना चाहिए। ये बेस्ट रूल है कि आपका जो आयरन करते समय आपका जो होता है मतलब ठीक तरीके से क्रीच आए,
या आयरन सही तरीके से, इस तरीके से हमने इस पर गलपट्टी लगाना है और पूरे गले में इसी तरीके से हमने लगाना है। और ये जो ज्वाइंट होता है ऊपर की ओर हम डालते हैं ताकि मेरा जो टुक्की हो पूरा अच्छे तरीके से हो। और जो शोल्डर का भी होता है तो शोल्डर का ज्वाइंट हमेशा जो होता है बैक साइड में डालते हैं, ऐसा इसी तरीके से हमें लगा लेना है। और देखिए जो ये मेरा जोड़ लगा है, तो अब हम इसको पलटते हैं। कंधी को जब पलटते हैं तो इस तरीके से जो मेरा पूरा सिलाई है उसके बीच में ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमने लगाना है। और कपड़ा को आगे खींचते हुए कर लेना है। ये मेरा कंधी लग गया। और अब देखिए जब हम इसको फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग करते समय जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है उसे इस तरीके से कट कर लें। और कट करने के बाद जो मेरा देखिए आगे हम बता रहे हैं, तो ये जो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है हमें, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, इतना छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम इसमें हेम लगाते हैं तो मेरा ब्लाउज जो होता है बहुत ही, जो गला होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बैठता है। अब हम जब ब्लाउज में लूप भी लगाते हैं, आप यदि लगाते हैं तो लगा सकते हैं, यदि नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमें 3 इंच जो शोल्डर होता है उसके बीच में लगाना है, शोल्डर ज्वाइंट होता है वहीं पे लगाना है, बाजू की तरफ से नहीं, बाजू की तरफ से नहीं, ऊपर लगाना है, शोल्डर के ऊपर लगाना है। इस तरीके से आप लगाएं, दोनों को ज्वाइंट कर लें और इस तरीके से अंदर यहाँ पे हुक लगाएं लूपी में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा ब्लाउज का तो मेरे वीडियो पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।